हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज हम कटक के पास कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, उधर घूमने जाएंगे, उधर एक्सप्लोर करने जाएंगे। एक्चुअली ये जो मोनेस्ट्रीज है ये कटक से कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं। पहला है ललितगिरी, दूसरा है रत्नागिरी, तीसरा है उदयगिरी। तो पहला कौन सा जाऊँगा? पहला मैं सोच रहा हूँ ललितगिरी जाऊँ, जो कि थोड़ा पुराना है, शायद 10th या 11th सेंचुरी में बना था। तो पहले उधर जाएंगे। एक्चुअली मैंने कभी इस मोनेस्ट्री को देखा नहीं है, तो जैसे जैसे मैं देखता जाऊंगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस करता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। कुछ रूल बता देता हूँ एंट्री के लिए। यहाँ पे लिंक नहीं है टिकट के लिए, तो आपको टिकट ऑनलाइन बुक करना है। म्यूजियम, तो म्यूजियम के अंदर आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बाहर जो रुइंस वगैरह हैं वो वहाँ पर आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड है। ये म्यूजियम है, सो पहले म्यूजियम चलते हैं, उसके बाद में चलते हैं आगे। म्यूजियम के अंदर बहुत सारे मूर्तियां हैं जो कि 5th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी के बीच के हैं। इस पहाड़ के खुदाई के दौरान एक पत्थर का कैस्केट मिला था, जिसके अंदर सिल्वर और गोल्ड के कैस्केट थे और उसके अंदर एक अस्थि जैसा कुछ था, इसलिए ये साइट सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। अभी हम मोनेस्ट्री नंबर 1 के तरफ जा रहे हैं। ललितगिरी पर टोटल 1 स्तूप, 1 चैत्य गृह और 4 मोनेस्ट्रीज हैं। स्तूपा है, ये है चैत्य गृह, तो ये पूजा पाठ करने के लिए, और ये जो है ये है मोनेस्ट्रीज। तो ये नंबर 3 वाला मोनेस्ट्री है, हमने नंबर 1 और नंबर 2 देखा था, नंबर 1 और नंबर 4 देखा था, तो ये वाला मोनेस्ट्री जो है ये है नंबर 3 वाला मोनेस्ट्री। सो इट्स 12 PM, ललितगिरी हो गया अभी, अब अपन निकलेंगे उदयगिरी की तरफ। उस तरफ बादल दिख रहे हैं और हो सकता है कि दोपहर को बारिश हो जाए। मेरे पास रेनकोट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। उदयगिरी टा कौन वीडियो उदयगिरी यही रास्ता तो पूरा लास्ट रे। तो भैया अपडेट ये है कि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, करीब 2 घंटे से बारिश हो रही है। अभी 12 बजे से अभी 2 बज रहे हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ उदयगिरी जाने का। उदयगिरी इधर से 8 किलोमीटर दूर है, देखते हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं वीडियो बनाऊँगा, अगर बारिश हुई तो मैं वापस चला जाऊँगा। भाई मैं उदयगिरी पहुँच गया, बट प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा ही स्पूकी जगह है। इधर बहुत सारे पुराने जो मूर्तियाँ हैं वो इधर है, देखने से तो लगता है कि बहुत पुराना है, बट इसमें कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं है। इधर कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। ये मेरे पीछे
स्तूपा। और ये देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल। उदयगिरी में ही मुझे इधर और एक चीज़ मिल गया, एक और एक मोनेस्ट्री मिल गया है। बहुत बड़ा मोनेस्ट्री है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये मोनेस्ट्री एक मंदिर है। ये मंदिर किसी ने बाद में बनाया होगा, बट ये जो है ये मोनेस्ट्री है बहुत बड़ा। ये वाला मोनेस्ट्री जो है ये दूसरे मोनेस्ट्री के मुकाबले अच्छे कंडीशन में है। थोड़ा और पास चल के देखते हैं। अंदर से ये मोनेस्ट्री कुछ इस तरह का दिखता है। ललितगिरी में हमने जो मोनेस्ट्रीज देखे थे उनके हालत बहुत ही ख़राब थे, एक्चुअली उसमें था ही नहीं कुछ भी। लेकिन ये जो मोनेस्ट्री है उसके मुकाबले ये बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। और घूमते घूमते फाइनली मुझे वो चीज़ मिला जिसके तलाश में मैं इधर आया था। उदयगिरी, वेलकम टू उदयगिरी। ये है उदयगिरी का गेट। वो जो पहाड़ है वो दिख रहा होगा, उस पहाड़ के पीछे है उदयगिरी। अब पूजा स्थल को क्या बोलते हैं मैं भूल गया, तो मैं पूजा स्थल ही बोलूँगा। तो मोनेस्ट्री है और एक स्तूप है। तो उधर लेफ्ट में जाने से रत्नागिरी जा सकते हैं, बट रत्नागिरी मैं आज नहीं जा रहा हूं जैसे कि मैंने बोला था। ये बस मुझे एंट्री गेट दिखाना था, इसलिए मैं उधर रुक के ये वीडियो बना रहा था। एयरपोर्ट से अगर आप सीधा निकलोगे रत्नागिरी के लिए तो वो 75 किलोमीटर के आसपास होगा। बारिश के वजह से 2 घंटे मेरे बर्बाद हो गए, वरना अब तक मैं रत्नागिरी घूम चुका होता और निकलने की तैयारी कर रहा होता। सो बाय एनी मीन इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।